एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। बाप बेटे के रिश्ते को किया कलंकित, आरोपी गिरफ्तार। पिता और बेटी का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन जब कोई पिता हैवान बन जाए और अपनी बेटी को ही अपनी हवश का शिकार बना ले तो बेटियां आखिर किस पर भरोसा करेंगी। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र से सामने आया है। पिता पर अपनी ही 19 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। पीड़िता की मां ने छावनी थाना में अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर सनसनी फैला दी। तहरीर में उसने अपने पति पर अपनी बेटी के साथ 2 साल से डरा धमकाकर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। तहरीर में बताया गया कि पिछले 2 साल से लड़की के पिता अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। बेटी को जान से मारने की धमकी देकर 2 साल पहले जब बेटी की उम्र 17 वर्ष हुई, उस समय से लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था। पिता की धमकी देकर पीड़िता ने अपनी मां को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पिता की हरकतें बर्दाश्त के बाहर हुई तो लड़की ने हिम्मत कर पिता के कारनामे को अपनी मां से बताया, जिसके बाद मां और बेटी छावना थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस में मुकदमा भी दर्ज किया। सीओ शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाने की तहरीर पर आई, उसका पति उसकी 19 वर्षीय बेटी को डरा धमकाकर वर्षों से शारीरिक संबंध बना रहा है। तहरीर के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ धारा 376, 506 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। आरोपी का अरेस्ट किया गया। थाना छावनी पर एक उसी क्षेत्र की थाना छावनी क्षेत्र की रहने वाली महिला ने तहरीर दी कि उसकी लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, उसके साथ लड़की का पिता यानी उस महिला का पति ही पिछले 2 वर्षों से उसको डरा धमका कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। और इस संबंध में जब उस लड़की ने अपनी माँ को बताया तो माँ द्वारा थाना छावनी पर आकर लड़की के पिता यानी अपने पति के विरुद्ध तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना छावनी पर अंतर्गत धारा 376 और 506 भारतीय दंड संहिता एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी नियमानुसार विवेचना की जा रही है। और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और पीड़िता का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल का मेरे द्वारा भी निरीक्षण कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।